हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों यह 14+14 28 कॉइल सीलिंग फैन स्टेटर है, जिसमें कि यह रनिंग कॉइल कनेक्शन और स्टार्टिंग कॉइल कनेक्शन निकले हुए हैं। तो हम कैसे पता करें कि कौन से वायर रनिंग कॉइल के हैं और कौन से वायर स्टार्टिंग कॉइल के हैं? तो इसी के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। तो इन सभी स्टेटरों में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज लैंप से स्टेटर को टेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सीरीज बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, जिसमें कि मैंने सीरीज बोर्ड में 200 वाट का बल्ब लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल को टेस्ट करेंगे, जो कि अंदर की ओर रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, यह स्टार्टिंग कॉइल है और इसमें बल्ब कम ग्लो कर रहा है, यानी रोशनी कम आ रही है। इसके बाद हम रनिंग कॉइल को टेस्ट करेंगे, जो कि बाहर की तरफ होती हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बल्ब थोड़ा अधिक ग्लो कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा रोशनी दिखा रहा है। हम इसको दोबारा भी टेस्ट कर सकते हैं। जिन दो वायरों में बल्ब कम ग्लो करता है वह स्टार्टिंग वायर कहलाते हैं, और जिन दो वायर में बल्ब अधिक ग्लो करता है, अधिक रोशनी देता है, वह रनिंग कॉइल कहलाती हैं। तो इस प्रकार हम सीज लैंप से आसानी से पता लगा सकते हैं। अब हम इसके कनेक्शनों को करेंगे और यह देखिए दोस्तों, हम इस सापट के छेद में से कनेक्शनों वायरों को बाहर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने वाइट वायर स्टार्टिंग कॉइल के बाहर निकाले हैं और ब्लू वायर रनिंग कॉइल के स्टेटर से बाहर निकाले हैं। तो सबसे पहले हम जिस कॉइल से बाइंड करना शुरू करते हैं और जहां कॉइल का आखिरी छोर निकलता है, उस दोनों कॉइलों के बीच में यह सेपरेटर पेपर लगा देते हैं, ताकि दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो। हमें यह पेपर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइल के बीच में अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। इससे मोटर वाइंडिंग जलना बहुत ही कम हो जाता है। तो अब हम इस छेद से कनेक्शनों को बाहर निकालेंगे। कनेक्शन बाहर निकालने के लिए मैंने यह तार बनाया है, जो कि इस प्रकार मैं सापट के अंदर डालता हूँ। और अब हम कनेक्शन वायर को इस प्रकार मोड़कर इस तार में लगा देते हैं। यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम तार में लगा देते हैं और इसी प्रकार हम रनिंग कॉइल के वायर को भी उसमें लगा देते हैं और तार को बाहर निकाल लेते हैं। तो कनेक्शन वायर भी बाहर निकल आते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से कनेक्शन वायर सापट से बाहर निकल आए हैं। अब हम इन कनेक्शन वायर को अच्छी तरह सेट कर लेते हैं और इन्हें बांध लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरह कनेक्शनों को बाहर निकाल लिया है और अब हम इन कनेक्शनों को यहाँ पर बांध कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने वायर को बांध लिया है और यह देखिए दोस्तों, मैंने सेपरेटर पेपर भी लगा दिया है जो कि क्वाल के ऊपर लगाया जाता है ताकि क्वाल हीट होने पर कनेक्शन वायर जले ना। तो अब चलिए सीरीज बोर्ड से हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज लैंप को जलाकर देखते हैं तो हमारा सीरीज बोर्ड कार्य कर रहा है। अब हम स्टार्टिंग कॉइल को टेस्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों, बल्ब धीमी रोशनी दे रहा है और अब हम रनिंग कॉइल में सीरीज वायर लगाते हैं तो बल्ब अधिक रोशनी दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि ब्लू वायर रनिंग कॉइल के हैं और वाइट वायर स्टार्टिंग कॉइल के हैं। तो इस प्रकार हम सीरीज बोर्ड से बड़ी ही आसानी से रनिंग और स्टार्टिंग वायर पहचान सकते हैं। जिस प्रकार मैंने रनिंग और स्टार्टिंग वायर इस स्टेटर से बाहर निकाले हैं, उसी प्रकार मैं सभी स्टेटरों के रनिंग और स्टार्टिंग वायर बाहर निकाल लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इन सभी स्टेटर से रनिंग और स्टार्टिंग वायर आसानी से बाहर निकाल लिया है। अब हम डिजिटल मल्टीमीटर से किस प्रकार रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल पहचानेंगे वह देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह मेरा डिजिटल मल्टीमीटर है। अब हम इसके द्वारा पहचान करेंगे कि कौन से वायर स्टार्टिंग के हैं और कौन से वायर रनिंग के हैं। तो मीटर को मैंने डायोड रेंज पर, बीप बजर रेंज भी जिसे बोलते हैं, उस पर सेट कर लिया है। अब हम सबसे पहले मीटर की प्रोब एक दूसरे से लगा कर देखते हैं तो देखिए रीडिंग दिखा रहा है, बजर बज रहा है। तो अब हम स्टार्टिंग कॉइल को चेक करते हैं तो इसकी रीडिंग 220 दिखा रहा है। इसके बाद अब हम रनिंग कॉइल की रीडिंग टेस्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों, यह 260 रीडिंग दिखा रहा है, यानी सफ़ेद की अपेक्षा नीली वायर में रीडिंग अधिक दिखा रहा है। नीली वायर का रेजिस्टेंस अधिक है, इसलिए यह नीला वायर कनेक्शन रनिंग कॉइल कनेक्शन है। अब हम सफ़ेद वायर और नीले वायर को आपस में जोड़ लेते हैं तो यह कॉमन वायर बन जाता है। अब हम नीले वायर और सफ़ेद वायर की रीडिंग देखते हैं तो यह दोनों रीडिंग 480 रीडिंग दिखा रहा है, यानी रनिंग और स्टार्टिंग की रीडिंग प्लस हो जाती हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ब्लू वायर की रीडिंग 260 है और वाइट वाले वायर की रीडिंग 220 है। इससे यह अर्थ निकलता है कि ब्लू वायर ही हमारा रनिंग कॉइल का कनेक्शन वायर है। यदि इस प्रकार कनेक्शन करने के बाद फैन उल्टा चलता है तो हम ब्लू वायर को आपस में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हम बड़ी आसानी से सीरीज बोर्ड और डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर पहचान सकते हैं। वीडियो इतनी थी,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।